Hello and welcome back to my new vlog, guys. What? A few inches later. कंटेंट के मामले में तो मेरे पास कुछ है नहीं, तो मैं ये क्या सोच रहा हूँ कि कॉमेडी करने का सोचूं। आर यू कॉमेडी मी? क्योंकि व्लॉग में यार ऐसे नॉर्मल दिखाता हूँ तो आप लोग कुछ मतलब कि उतना रिस्पांस नहीं दे रहे, तो मैंने सोचा कि कुछ बदलाव किया जाए। तो कॉमेडी में मैं क्या कर सकता हूँ, कॉमेडी में आपको हंसा सकता हूँ। और हंसाने का टैलेंट तो भाई मेरे में बचपन से ही है, बिकॉज मैं हूँ ना भाई, सब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया। तो मूवीज भी मैं बहुत देखता हूँ, और मुझे जानते हो एनिमेस देखने का, गेम खेलने का, ये सब बहुत ज्यादा शौक है। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। तो अगर आप लोग को भी शौक है तो मुझे सजेस्ट करना। मैं सोच रहा हूँ कि यार थोड़े थोड़े कॉमेडी सीन या फिर कुछ बनाओ ऐसा, जैसे कि हेलो दोस्तों, अपनी खाने खाए नहीं खाए तो जाके शिमला मिर्च कभी मत खाना, क्योंकि शिमला मिर्च मुझे बिल्कुल नहीं पसंद नहीं, और जो मुझे पसंद नहीं है वो आप लोग कभी नहीं पसंद होना चाहिए, ऐसा जरूरी थोड़ी है। तो मैं सिंचन की मिमिक्री भी कर सकता हूँ, दिस इज द वन ऑफ माई टैलेंट। ये क्या है? और मैं गाने भी गा सकता हूँ, जैसे कि थोड़ा सांस लेना चाहिए ताकि अच्छा से गाना आए। चलो अब गाना शुरू करता हूँ। क्या भाई, क्यों बस वाला पैपे पैपे कर रहा है साला? जब भी गाने जाओ कोई ना कोई आ जा रहा है। मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्जी। सब बस बेटा, बहुत बढ़िया। क्या क्या करना पड़ता है यार हंसाने के लिए, बट आप लोग हंसते ही नहीं हो। मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो नहीं, ये मजाक हो रहा है। ये कैसा तेरी जात का मुझ पे हो गया। चुप, बिल्कुल चुप। गजब बेइज्जती है, रुको जरा, सबर करो। सर ये कैसा तेरी जात का मुझ पे हो गया, जरा जरा मेरे कब तुझ में ही खो गया, रंग जो लागो रंग जो लागो रे, रंग जो लागो रे थारो रंग। मैं बारिश हो जाऊंगा, तुम बादल हो जाओगी, देख लेना कहता है ये धूप किनारा तेरा हुआ, मैं सारा का सारा देख लेना, तेरे होठों पे हमेशा मैं हंसता ही रहूंगा, देख लेना। फिलहाल शाम हो गया था, मुझे गाना गाने का मन कर रहा था, तो हमेशा आपको मैं कुछ अलग तरीके से गाना सुनाता रहता हूँ, मतलब कि सेम ही तरीके से आप सुनते रहते होगे एक जगह पर बैठ कर। समझ रहे हो, समझ रहे हो? हाँ, इधर मैं गा रहा हूँ, उधर मैं गा रहा हूँ, बस आराम से। तो इस बार मैंने सोचा यार कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं, तो चलो आज कुछ नया ट्राई किया। शाबाश। और पता नहीं आप लोगों ने नोटिस करे हुए कि नहीं, एक दो ब्लॉग से तो मैं एक यही सोच रहा हूँ पहने हुए हूँ दो दिनों से, तो इसका कारण ये है कि यार पानी नहीं आ रहा है, और ठंडी में यार नहाने का भी मन नहीं करता, दो दिन हो गया फिलहाल, कल मैं नहा लूंगा। चल झूठा। और चलो फिलहाल आपको गाना कैसा लगा जाकर कमेंट में बताओ, और सोच रहा हूँ यार कुछ कॉमेडी का, कॉमेडी क्या कर सकता हूँ। कुछ पूछा, पूछा मैंने कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो मैं अब क्या करूँगा ना, YouTube से देखूँगा कि लोग क्या क्या करते हैं कंटेंट बनाने के लिए, बट मुझे कुछ वो बल्गर वाला नहीं करना यार, जैसे लोग नहीं करते रहते हैं पागल जैसा, आते हैं मार देते हैं या फिर कुछ भी फालतू फालतू चीज़ें दिखाते रहते हैं पागल जैसा, ये भी कुछ भी करके भाई, लेकिन वो लोग देखते हैं यार कंटेंट, कुछ ना कुछ तो बना ही रहे हैं। तो मैं भी सोच रहा हूँ कि थोड़ा इमेजिनेबल, मतलब कि आपको मज़ेदार है, जैसे सिंचन का किसी के साथ मिक्स, ये बड़ी अच्छी बात कही है, या फिर अपने भाई के साथ कुछ स्क्रिप्ट वगैरह लिख के, मतलब कि हाँ कुछ भी, तो स्क्रिप्ट वगैरह लिख के उसका कुछ कंटेंट बनाया जाएगा। गाइस अभी तो मैं
ये देखो गिटार बजा रहा था, बहुत ज्यादा मन कर रहा था मुझे म्यूजिक का। आप लोग के फ्रेंड्स हैं आप ये मुझे बताओ, और आपको मैं एक बात बताऊं कि फ्रेंड्स होना भी आपके लिए बेनिफिट है और नहीं होना भी आपके लिए एक बेनिफिट है। तो फ्रेंड्स होते हैं तो आपको कभी अकेला वो नहीं रखेंगे और कभी भी लोनली आपको फील करने नहीं देंगे, मतलब कि हमेशा कुछ ना कुछ करते रहेंगे या फिर आपसे बात या फिर आपको मजाक उड़ाते रहेंगे। लेकिन अगर आपके पास फ्रेंड्स नहीं है तो उसके भी बेनिफिट है कि आप कुछ भी करना चाहो तो आप वो कर सकते हो, क्योंकि आपको फोकस हटाने के लिए आपकी लाइफ में और कोई नहीं रहेगा। अगर आपके पास फ्रेंड्स नहीं है तो आप बाहर नहीं जाओगे और किसी से ना उतना बात करोगे, अपने ही में मगन रहोगे, मगन मतलब कि अपने ही दुनिया में खोए रहोगे, अपने काम पे फोकस रहोगे। तो हाँ होते हैं भाई, कभी कभी याद आते हैं अपने स्कूल डेज भी, बट स्कूल में मेरे उतने ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं थे, थे सब अच्छे दोस्त, मतलब से मतलब तक था रात मेरे अच्छे। देखो मतलब ही दोस्त होने से अच्छा ना रखो वही अच्छा है, बट अभी भी मेरे कुछ कुछ दोस्त हैं जो बहुत अच्छे हैं। बचपन के दोस्त बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन टेंथ के बाद जितने भी दोस्त बनते हैं वो मतलब कि चांसेस रहते हैं अच्छे दोस्त बनने का, बट बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको अच्छे दोस्त मिले। इसलिए जो है उसको हमेशा अच्छे से रखो, मतलब कि उसकी केयर करो, और जो नहीं है उसके बारे में कभी रिग्रेट मत करो, बस हंसते रहो। काम तो हम लोग भी किए हैं यार वहाँ पे पम्मी दीदी की शादी में, अब मानो चाहे मत मानो। फिलहाल देख लो रात के 11 बज गए, खाने पीने का टाइम हो गया, तो मस्त अभी मम्मी ने भुजिया रोटी बना दिया। फिलहाल बस आज के व्लॉग में सिर्फ इतना ही, मिलता हूँ आप सबसे कल के व्लॉग में। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अच्छा है तो सब्सक्राइब कर देना। राधे राधे, जय माता दी, कीप स्माइलिंग, बाय।